मंदनबाड़ा में टूरिज्म का क्या स्कोप है, या कॉरपोरेट बिजनेस का क्या स्कोप है, या अदर कोई भी बिजनेस का क्या स्कोप है आप लोग देखिए। एज ए होटलियर मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। मैं इससे पहले आई वॉज जनरल मैनेजर पर चोमू पैलेस। मैंने बहुत सारे मूवी का शूटिंग किया, बोल बच्चन भूल भुलैया, डाटी पॉलिटिक्स, लोफर, गुलाल, ऐसे बहुत सारे एड शूट, वेब सीरीज, मतलब काफ़ी फिल्म फ्रेटर्निटी के साथ एक्सपीरियंस मेरा हमेशा अच्छा रहा। फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग अगर आपके पास आता है, बेसिकली हम होटल इंडस्ट्री वाले हैं, तो हमारे रेवेन्यू को बूस्ट करता है, जनरेट करता है। हमारे साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों को भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे लिए तो देखिए, ये इंडस्ट्री जितनी राजस्थान को एक्सप्लोर करेगा हमारे लिए उतनी अच्छा है। किसी भी एक्स वाई जेड रीज़न के कारण कुछ भी नेगेटिविटी आए, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े अपने बारे में, अपने स्टेट के बारे में, तो इसमें जो नुकसान होता है, जो डायरेक्ट नुकसान तो हमको ही झेलना पड़ेगा। आज मान लीजिए ये लोग, मान लीजिए कोई वकील का चेहरा धूमिल हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हुआ है, हम उसके ऊपर उसमें कोई कमेंट्स करने नहीं जा रहे, बट एज ए होटलियर मैं मेरे पक्ष रखना चाहता हूँ इसमें। आज किसी भी रीजन से अगर ये फिल्म शूट को बाइंड अप करके चला जाता है, तो इसमें सीधी आर्थिक नुकसान हमको उठाना पड़ता है। आज मान लीजिए बांधनबाड़ा कैसी जगह है आप लोगों को पता है, बांधनबाड़ा में टूरिज्म का क्या स्कोप है, या कॉरपोरेट बिजनेस का क्या स्कोप है, या अदर कोई भी बिजनेस का क्या स्कोप है, आप लोग सब इसमें भली भीती आप लोगों को पता है। बट फिर भी आज बांधनबाड़ा जैसे जगह में एक 5-स्टार स्टैंडर्ड का होटल अगर फुल हाउस चल रहा है पिछले 1 महीनों से, तो इसमें ये इसका रीजन क्या है? इस फिल्म फ्रेटर्निटी आने के कारण ही हो पा रहा है। आज समर में नॉर्मली हर साल राजस्थान में जो ट्रैवलर्स है, जो नॉर्मली इस स्टेट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमने के पर्पस में आना चाहते हैं, वो लोग समर में नहीं आते, ज़्यादातर विंटर्स राइट फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स आते हैं। इतने डीप समर में, हाई टेम्परेचर में, जहाँ पे वेदर एक प्रतिकूल परिस्थिति क्रिएट करता है, उसमें से भी बांधनबाड़ा के जैसे जगह में आज एक 5 सितारा होटल फुल चलता है, तो उसमें कितनी सारे लोग, आज लोकल लोग भी हमारे साथ, हमारा जो लोकल सप्लायर्स है, जैसे मान लीजिए वेजिटेबल सप्लायर्स है, पोल्ट्री चिकन मटन सप्लायर्स है, डेयरी सप्लायर्स है, ग्रॉसरी सप्लायर्स है, इससे उन लोगों को भी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। हमको तो बूस्टिंग मिल ही रहा है, साथ साथ उन लोगों को भी बूस्टिंग मिल रहा है। तो मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है, ऐसी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण अगर हमारे स्टेट का छवि खराब होता है, तो उसमें नुकसान और किसी को नहीं होता, नुकसान हमारे इंडस्ट्री को होता है। मैंने मेरे मेन कंसर्न ये है। आज बहुत सारे स्टेट आप देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का एक एक टाइम था जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर्स हो, कोई फिल्म फ्रेटर्निटी का लोग भागो नहीं जाना चाहता था। आज उस राज्य के मुख्यमंत्री खुद फिल्म फ्रेटर्निटी के लोगों के पास मुंबई में जाके पूरा फ्रेटर्निटी के लोगों के साथ, जितनी बड़े बड़े एक्टर्स है, आपके प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, सबको मिलके इनवाइट करके, पर्सनली इनवाइट करके आते हैं कि आप लोग आओ, आइए, हमारे स्टेट को प्रमोट कीजिए। क्यों कर रहे हैं? मेन बेसिक रीजन है द बूस्ट ऑफ द इकोनॉमी। अगर आज इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, तो हम सारे उस ग्रोथ में हम भागीदारी हो सकते हैं, हमारा सबका स्थिति सुधार आएगा। साथ साथ बांधनबाड़ा का आज जो नाम हुआ है, मान लीजिए बांधनबाड़ा एक टाइम था, मेरे हिसाब से राजस्थान के 70% लोग शायद इस जगह को नाम ही नहीं जानता था, बट आज बांधनबाड़ा की इस फिल्म के कारण जो भी आज हाईलाइट हुआ है, तो वो भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो इसमें आने वाले, जैसे अभी इन्हीं लोगों से बातचीत चल रहा था कि इस लोकेशन को अगस्त में दूसरी एक शूटिंग का भी इन लोगों को प्लानिंग चल रहा है, ऑलरेडी रेकी हो चुका है, विजिट हो चुका है। मान लीजिए अगर
इस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण अगर वो यूनिट चला जाता है, कुछ भी होता है, तो उसमें नुकसान किसको होगा? नुकसान हमको होगा। दूसरी तरह से गुजरात है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, आपके उत्तर प्रदेश है, सब लोकभाग सबको बुलाने के लिए इन लोगों को जाके आगे होकर न्योता दे रहे कि आप लोग आइए हमारे स्टेट को प्रमोट कीजिए, आप यू टेक दिस 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 ब्लाबला फैसिलिटीज एंड आप हमारे स्टेट को प्रमोट कीजिए। तो स्टेट को प्रमोट करने से क्या होता है? स्टेट को प्रमोट करने से स्टेट का इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब है इसके साथ साथ जुड़े हुए जितनी लोग हैं चेन पे, आज लोकल आर्टिस्ट है, आपके पेट्रोल पंप वाले हैं, आपके जितनी मैंने सप्लायर्स का सारे बात बताया, जो शेड बनाने के लिए भी कितनी सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, साथ साथ हमारे होटल इंडस्ट्री को भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए हम तो चाहेंगे ये सारे वाद विवाद जो भी है आपस में लोग साथ में बैठ के इसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे यार लोगों को। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो लार्जर प्रॉस्पेक्ट है, लार्जर प्रॉस्पेक्ट इज ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, उसमें कोई आँच नहीं है, ऐसे हम काम ना करें। सर हम ये कहना चाहते हैं कि होटल इंडस्ट्री जो है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है और वो हर कोई सेक्टर को, चाहे पिक्चर हो चाहे मैरिज हो, हर इंडस्ट्री, कोई भी ट्रैवलर हो, सबको एक हॉस्पिटैलिटी, एक घर से दूर घर का सुख देती है। और ऐसी जगहों पे जहाँ पर रिमोट लोकेशन पे या नई लोकेशनों पे जब पिक्चर की शूटिंग होती है तो वहाँ पर उनके रहना खाना सुख सुविधा उसका इंतजाम होटल ही करती है। अगर ऐसा होता है तो होटल को तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या इतनी बड़ी होटल्स हम लोग राजस्थान में लेके बैठे हैं, अपने ज़िले में लेके बैठे हैं, अगर इस तरीके से होगा तो जैसा कि हम सब जानते हैं ऑफ सीज़न के अंदर कुछ भी नहीं होता, हर किसी को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो ये एक अच्छा सुनहरा मौका है कि ऑफ सीज़न के अंदर राजस्थान के अंदर शूटिंगें आएँ, ऐसे चीज़ें आएँ, वेब सीरीज़ आएँ, जिससे कि जो रोज़गार चिंता है वो रोज़गार कायम रहे, लोगों को रोज़गार मिले और से और जितने भी लोग होटल से रिलेटेड हैं, चाहे वो डेयरी वाला हो, सब्जी वाला हो, पनीर वाला हो या पेट्रोल वाला हो, हर किसी व्यक्ति को रोज़गार एक से जुड़ के कड़ी से कड़ी करके ही मिलता है, तो वो मिले और सबका साथ और सबका विकास हो और लोग बढ़े, हमारे राजस्थान का नाम हो, हमारी जगह का नाम हो, यही हम चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। आप लोगों से यही है कि बस हमारा सहयोग करें, एक दूसरे से सब साथ मिलकर काम करें।